के छोर पर बसा हुआ काफी खूबसूरत बीच है दीव। दमन और दीव हम लोग बचपन से पढ़े हैं। दमन अलग जगह पर है और दीव अलग जगह पर है। आप देख सकते हैं कि दीव की खूबसूरती यहाँ पर, जहाँ तक आपकी आंखें जाएगी, नजरें जाएगी, वहाँ तक आपको समुद्र की लहरें दिखेगी। और इसके पीछे जो है वो सर्किट हाउस है, जहाँ पे इस वक्त हम लोग रुके हुए हैं। सर्किट हाउस से आपको समुद्र की लहरों की आवाज़, जो वेव है, जो तरंग है, उसकी आवाज़ साफ और स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। जो खासियत है यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, जो भी कृत्रिम है, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजियम है, 16वीं शताब्दी का पुर्तगीज चर्च जो है वो है यहाँ पे, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जो पर्यटक हैं उनको लुभाने के लिए यहाँ पे बनाई गई है, और पर्यटक काफ़ी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा जो खासियत है, अगर इसकी बात करें पर्टिकुलर, काफ़ी साफ़ सफाई आपको दिखेगी। सुबह का समय है, आप देख सकते हैं कई सारे स्वयंसेवक हैं जो कि साफ़ सफाई को लेकर यहाँ पे काफ़ी सक्रिय हैं। जो गंदगी यहाँ पे रह गई हो या कोई प्लास्टिक है, अगर कोई लेकर आया हो और छूट गया हो यहाँ पे, तो उसको जो है सुबह सुबह कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि बीच की जो खूबसूरती है उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़े। कुल मिलाकर अगर आप परिवार के साथ आना चाहते हैं तो दीव एक अच्छा लोकेशन आपके लिए हो सकता है, जहाँ पे आप समय बिता सकते हैं। कुछ समय जो भागम भाग की ज़िंदगी है, उसके इस तरीके से आपको राहत मिल सकती है। और बहुत सारे ऐसे वाटर स्पोर्ट्स हैं, आप कुछ हमारे पीछे भी देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे बीच पे काफ़ी दूर तक जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पे आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, चाहे वो पैरासीलिंग हो, बनाना बोट हो, या फिर जो अलग अलग एडवेंचर होते हैं उसका आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। यूँ तो महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे वो तारकर्ली हो कोंकण में, या फिर अलीबाग हो, या फिर मुंबई की कई सारी बीचेज हो, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र मुंबई से अलग आना चाहते हैं तो दीव एक अच्छा लोकेशन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो होटल्स हैं यहाँ पे, या फिर गवर्नमेंट के जो सर्किट हाउस हैं, उसकी जो टेरिफ है, जो उसकी रेट है, जो उसका दर है उसका, वो आम जो अलग जो जगह है वहाँ से अपेक्षाकृत ज़्यादा है। दीव जरूर आइए घूमने के लिए, देखिए कि गुजरात का जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, जो कि गुजरात को कनेक्ट करता है, वो कितना खूबसूरत है, और हमारे देश का कितना समृद्ध इलाका जो है वो है।